सब्सक्राइब कीजिए बेस्ट हेल्प इन हिंदी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए रोजाना दो नए वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूँ बेस्ट हेल्प इन हिंदी में। और आज हम आपको बताएंगे एक और छोटा सा तरीका जिससे कि आप अपने फोन के रैम को बढ़ा सकते हैं। अक्सर आपने इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, नहीं देखे हों तो आप इस वीडियोस को देख लीजिएगा, जहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशन के बारे में और हर कुछ बताया जाता है। मैं आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप अपनी रैम थोड़ी बढ़ा सकते हैं। मोबाइल तो खरीद लिया लेकिन रैम 512 MB की थी। 512 MB की रैम हो सकती है, 1 GB हो सकती है, 2 GB हो सकती है। सवाल ये उठता है कि रैम को बढ़ाए क्यों जाए, इसकी ज़रूरत कहाँ है हमें। दोस्तों, रैम बढ़ने से आपकी मोबाइल की स्पीड बढ़ जाएगी, इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ जाएगी। इंटरनेट की तो क्या बढ़ेगी, हाँ रैम होगी तो बढ़ेगी, लेकिन तो भी आप रैम बढ़ाकर अपने फोन को हैंग होने से रोक सकते हैं, ऐसा मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो फिलहाल हम इस वीडियो की बात करते हैं, उसके लिए आप प्ले स्टोर में आ जाइए और सर्च कीजिए 512 MB रैम बूस्टर। सर्च कर लिया, सबसे पहली एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। देखिए नई एप्लीकेशन है, विवेक वार्डे ने बनाई है। 100,000 इसके 100,000 मतलब कि 100,000 इसके डाउनलोड हो चुके हैं और 4.2 रेटिंग है इसकी, वेरी गुड बताया जा रहा है। अब आप इसको ओपन करते हैं, डाउनलोड तो मैंने कर रखी है, तो आपको बूस्टर पर क्लिक कर देना। आपकी रैम देखो इंक्रीज होती जा रही है, स्पेस आपका बढ़ता जाएगा। इस तरह आप अपनी रैम को इंक्रीज कर सकते हैं थोड़ी, और अपने साथ जो फालतू का डाटा था वो सब आप क्लियर कर सकते हैं, स्पेस को बढ़ा सकते हैं। देखो 42, 38, 18 स्पेस घटता जा रहा है, इधर बढ़ता जा रहा है।